गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आपको पता ही है कि हम ट्वेल्थ तक बॉटनी और जूलॉजी एक साथ पढ़ते हैं, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दो सब्जेक्ट एक साथ मिक्स किया हुआ है। बॉटनी वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है जिसमें, और जूलॉजी में हम प्राणी विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो हम उसी बॉटनी के बारे में आज स्टडी करेंगे, बॉटनी यानी प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम को इधर दे प्रोड्यूस सीड्स और नॉट, उस बेस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर वो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो उनको हमने क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत क्लासिफाई किया हुआ है, और अगर वो सीड प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें हम फेंड्रोगैम्स के अंदर रखते हैं। तो इस तरह से हम पहले आज प्लांट किंगडम के क्रिप्टोगैम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट हैं जिनमें सीड नहीं बनता है। ये प्लांट्स बहुत ही सिंपलर होते हैं। ये प्लांट्स फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या उनका बॉडी डिज़ाइन है, क्या उनमें वैस्कुलर बंडल उपस्थित है या नहीं है। उस आधार पर हमने इनको फिर से तीन भागों में बांटा है क्रिप्टोगैम्स को। पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, या सबसे सिंपलेस्ट प्लांट इसके अंतर्गत क्लासीफाई किए गए हैं। थैलोफाइटा में वो प्लांट रखे गए हैं जिनका बॉडी डिज़ाइन जो होता है बहुत ही सिंपल होता है, और इन प्लांट की बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। ये प्लांट जनरली, इनका जो बॉडी डिज़ाइन होता है उसे हम कहते हैं थैलस। अतः इन प्लांट को हम कहते हैं थैलोइड प्लांट्स। थैलोइड प्लांट्स को हमने थैलोफाइटा के अंतर्गत क्लासीफाई किया गया है। थैलोफाइटा को पुनः हम तीन भागों में बांटते हैं। ये उनके न्यूट्रिशंस पे बेस्ड है और उनका बॉडी डिज़ाइन। तो ये जो थैलोफाइट्स होते हैं, अगर वो प्लांट अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें हम एल्गी के अंदर क्लासीफाई करते हैं, यानी शैवाल। जितने भी शैवाल हैं, ये प्लांट क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं, बहुत ही स्मॉलेस्ट प्लांट होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने स्पायरोगायरा के बारे में पढ़ा होगा, यूलोथ्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा। ये छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि मॉइस्चर्स कंटेनिंग प्लेसेस पे उग जाते हैं, और इनका प्लांट बहुत ही सिंपल होता है। इनमें लीव, स्टेम और रूट्स का एब्सेंस होता है, और ये प्लांट क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होते हैं और ग्रीन प्लांट होते हैं। इनमें भी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे एल्गी को। फिर दूसरा जो प्लांट है वो है फंजाई। ये प्लांट्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। जैसा कि हमने बताया, एल्गी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बट ये प्लांट फंजाई हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है वो प्लांट जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट हेटरोट्रॉप्स वो प्लांट होते हैं जो कि फूड के लिए किसी और प्लांट पे डिपेंड होते हैं या किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। तो फंजाई जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। तीसरा जो प्लांट होता है इसके अंतर्गत वो है लाइकेन। लाइकेन जनरली इस तरह का कोई एक्चुअल प्लांट नहीं होता, ये शैवाल और कवक फंजाई। एल्गी और फंजाई जो होते हैं उनके आपस में सहजीवन यापन करने से ये प्लांट बनता है, मतलब इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उससे लाइकेन का निर्माण होता है। जहां पर एल्गी जो होता है वो ऑटोट्रॉप्स होने की वजह से उस रिलेशनशिप में फूड प्रोवाइड करता है फंजाई को, और फंगस जो होता है ये फंगस उसमें उस प्लांट को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिससे कि वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस में वो फुलफिल होती है, और उसके साथ में ही फंगस जो होता है, फंगस उस प्लांट को एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिसपे कि वो प्लांट एल्गी ग्रो कर सके। तो इस तरह से एल्गी और फंजाई के आपस में मिलने से, उनके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बना हुआ प्लांट लाइकेन कहलाता है। दूसरा जो प्लांट होता है ब्रायोफाइट्स। ये क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत, मतलब वो प्लांट जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसमें दूसरा वर्ग है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये प्लांट भी या तो थैलोइड होंगे, मतलब ये भी सिंपल होते हैं, बट एल्गी या थैलोफाइट्स से थोड़े डेवलप होते हैं। तो इन प्लांट्स के अंदर थैलस होगा या तो, या फिर इनका प्लांट जो होता है वो लीव्स और स्टेम में डिफ्रेंशिएट होता है। इनमें रूट एब्सेंट होती है, इनमें रूट का अभाव होता है, और ये प्लांट रूट की जगह पे इनमें राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स के बाद में हम तीसरा जो प्लांट है वो है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स वे प्लांट होते हैं जिनमें प्लांट
डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम और लीव्स, यानी प्लांट जो होता है वो जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। इससे पहले हमने दो प्लांट पढ़े, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। ये प्लांट जड़, तना और पत्ती में नहीं विभेदित होते हैं, या इनका विभेदन का लेवल बहुत ही लो लेवल का होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स होते हैं वो सेलुलर लेवल पे डिफरेंशिएटेड होते हैं, बट ये प्लांट जो होते हैं वो ऑर्गन लेवल पे डिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी इनमें जड़, तना और पत्ती पाई जाती है। दूसरा, ऐसे प्लांट जिनमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। पहले हमने दो पढ़े हैं, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, जिनमें वैस्कुलर बंडल का अभाव होता है, यानी वैस्कुलर बंडल संवहन पुल जिन जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बने होते हैं। जाइलम जो होता है वो जल का संवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है वो फूड का यानी भोजन का संवहन करता है। बट इन प्लांट्स का बॉडी इतना सिंपल होता है जिसकी वजह से इनको संवहन के लिए संवहन उत्तकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट टेरिडोफाइट्स प्लांट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स है थोड़े, इस वजह से इन प्लांट्स के अंदर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर बंडल यानी संवहन और जाइलम, संवहन पुल जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, और ये उनके केंद्रीय भाग में रंभ तंत्र जो होता है उसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि क्रमशः जल और भोजन का संवहन करते हैं। नाउ टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये प्लांट, क्योंकि ये पहले स्थलीय पादप होते हैं, और पहले स्थलीय पादप होने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं, सर्प या रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट, या तो पादप का सर्प कहा जाता है या पादपों का रेप्टाइल्स इनको कहा जाता है। किसको? टेरिडोफाइट्स को। टेरिडोफाइट्स को एक और नाम से जाना जाता है, संवहनी क्रिप्टोगैम्स। संवहनी क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या हुआ, ये मात्र ऐसे क्रिप्टोगैम्स हैं, एकमात्र क्रिप्टोगैम्स हैं जिनमें संवहन पुल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको हम संवहनी क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। तो इस प्लांट को हम, इस टेरिडोफाइट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस पेपर के अंतर्गत। ये बॉटनी फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर है, इसमें हम टेरिडोफाइट्स के बारे में और जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो टेरिडोफाइट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। नाउ हम प्लांट किंगडम को कंटिन्यू करते हुए उन प्लांट्स पे जाते हैं, ऐसे प्लांट जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं। सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स, गैम्स का मतलब होता है सीड और प्रोड्यूसिंग, फेनरो। अब ये जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं उनको फिर से हमने फेनेरोगैम्स प्लांट जो होते हैं उनमें सीड कवर्ड है या अनकवर्ड है। कवर्ड का मतलब होता है कि या तो प्लांट का जो बीज जो होता है वो फल के द्वारा ढका हुआ है या फल के द्वारा ढका हुआ नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स को या फेनेरोगैम्स को हमने उनके बीजों के आवृत या अनावृत होने के आधार पर पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक तो अनावृत बीजी, अनावृत बीजी का मतलब होता है जिम्नोस्पर्म। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिम्नो और स्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड या नग्न, और स्पर्म का मतलब होता है बीज। यहां पर जिम्नो यानी इन बीजों के ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं है, अतः यह अनावृत बीज कहलाते हैं। और जिसमें हम पाइनस, साइकस के बारे में, एफिड्रा के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनमें सीड जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, मतलब इनका जो बीज होता है वो फल के द्वारा ढका हुआ होता है। जैसे आप लोगों ने आम खाया है, आम के अंदर फल के अंदर की तरफ गुठली होती है जो कि उसका बीज है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्लांट जो होते हैं उनमें बीज जो होते हैं वो फल की भित्ति के द्वारा कवर्ड होते हैं, ढके हुए होते हैं, अतः इन्हें हम आवृत बीजी कहते हैं। आवृत बीजी हम सेकेंड ईयर में डिटेल में पढ़ेंगे, इस साल हम केवल क्रिप्टोगैम्स और जिम्नोस्पर्म के बारे में ही यहां पर फर्स्ट ईयर में हम स्टडी करेंगे। फिर सीड जो कवर्ड है यानी एंजियोस्पर्म को हमने उनमें पाए जाने वाले बीज पत्रों के आधार पर पुनः दो भागों में बांटा है। वो बीज जो कि एक बीज पत्र द्वारा बने होते हैं, यानी इनमें जैसे आप लोगों ने चावल, गेहूं, मक्का, ये ऐसे बीज होते हैं जिनका एक सिंगल पीस होता है, मतलब उसको अगर हम उसका कॉटिलिडन्स या सीड कोट को हटा दें तो उसमें केवल एक सिंगल कॉटिलिडन्स होता है, यानी इनका सीड कोट वैसे हटेगा ही नहीं, बट ये सिंगल वन पीस होते हैं, मतलब इनमें एक ही कॉटिलिडन्स होता है, तो उसे हम कहते हैं मोनोकोट्स। और डाइकोट्स, जितनी भी दालें हैं, मटर है, ये सब डाइकोट्स के अंतर्गत आते हैं। डाइकोट्स वो प्लांट होते हैं जिनमें अगर हम सीड कॉट को हटा दें यानी बीज आवरण को हटा दें तो बीज आवरण के अंदर दो
कॉटिलेडन्स निकलते हैं। जैसे कि अगर आप चने का बीज है, चने के बीज को अगर आप भिगो के रखोगे, भिगो के रखने के बाद में उसका जो सीड कोट है, यानी उसका जो आवरण है ब्राउन कलर का, जो उसके ऊपर आवरण है, उसको अगर हम हटा देते हैं, तो हटाने पे हमें क्या मिलता है, उसके अंदर दो फाड़ में हो जाते हैं, उस चने की दाल जिसे हम कहते हैं ना, उस चने का दो फाड़ में डिवाइडेशन हो जाता है। उसी तरह से अगर आप मटर देखोगे, उसी तरह और भी जो दालें हैं, मूंग, उड़द, उन सब में अगर आप देखोगे तो उनका जो सीड कॉट है या बीजावरण है, उसको हटाने पर वो दो भागों में बढ़ जाता है। तो ऐसे प्लांट को हम डाइकॉटिलेडन्स कहते हैं। ओके, जो हम ये डिटेल्स में हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। थैंक यू।